तो आज हम लोग खेलने वाले हैं एक नया गेम जिसका नाम है टैक्सी लाइफ अ सिटी ड्राइविंग सिमुलेटर। बेसिकली हमारी एक टैक्सी कंपनी है और हम लोग पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते और बहुत सारी और लिमिटेशंस होने वाली है, फाइन भी पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग अपना नाम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। ज्यादा ऑप्शंस आई थिंक यहाँ पे है नहीं अपने पास, बुढ़ा भी नहीं बनना मेरे को। तो मेरे को पहला वाले जो डिफॉल्ट था वो सही लग रहा था, नवरी ट्रांसपोर्टेशन या टैक्सी कंपनी का नाम क्या होगा, नवरी ड्राइव्स। अरे यार इतना ही नाम आ रहा है, इतना छोटा नाम बच्चों। ठीक है क्या करें डॉक्टर नरवी। अरे नहीं एक सेकेंड डॉक्टर यार एक सेकेंड डी मेरा ओके अब ठीक है, डॉक्टर नवरित लिख दिया मैंने। ठीक है ड्राइविंग से समझ सकते हो क्योंकि ऑप्शन है नहीं ज़्यादा यहाँ पे। टैक्सी हमारे पास लोगो हैं, बहुत सारे लोगो हैं यहाँ पे हमारे पास। कौन सा लोगो सेलेक्ट करा जाए, कौन सा सही लग रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है इसमें, इसका मतलब ये है कि हम लोग घूम फिर के लोगों को वहीं पहुँचाएंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। लोगो 11 में सेलेक्ट किया हुआ और कंपनी कलर्स तो नहीं ब्लैक कलर ही सही था, दिख तो रहा था कम से कम। चलिए सब कुछ हो चुका है, नेक्स्ट स्टेज हम लोग अभी करते हैं और देखते हैं। मैं इसको व्हील से खेल रहा हूँ बाय द वे, मैं इसको व्हील से खेलने वाला हूँ। हम लोग इसको व्हील से, कंट्रोलर से, कीबोर्ड माउस सबसे खेल सकते हैं, बट मैं ट्राई करने वाला हूँ कि यार व्हील से कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैंने सेटअप तो कर रखा है, सेटअप चल भी रहा था, अब कितना मुश्किल होगा उससे ये देखना होता है क्योंकि कई गेम में ना व्हील उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये भी एक नया गेम है, वही देखने वाली बात होगी कि कैसा चलता है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स तो मतलब बहुत जबरदस्त लग रहे हैं यार, मतलब काफी लंबे टाइम के बाद ऐसा कुछ गेम खेल रहा हूं मैं और मतलब ये पहली बार ही खेलने वाला हूं टैक्सी ड्राइवर, तो मैं अभी तक बना भी नहीं हूं। ओके तो टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए हमको पहले लाइसेंस चाहिए होगा। एक सेकंड, मैंने जो व्हील से चल रहा है ना, व्हील चल देखो चल रहा है, ये देखो हल्का कर रहा हूं ना, बहुत अच्छा चल रहा है व्हील, अभी रिस्पॉन्ड तो बहुत अच्छा कर रहा है। वेरी गुड, अंदर से इंटीरियर दिखाओ मैं आपको एक बार, ये देखो ये increase the speed by pressing the acceleration button and drive to the marker in front of you. You can brake by pressing the brake button and turn the wheels with the turning buttons. Okay, पहले मुझे यहाँ पर park करना है। देखो थोड़ा ना difficult तो होगा। अरे क्या चल यार आगे क्यों चल जा रहा है? क्या drama है? चलेंगे सही से? चले यही मेरे को doubt है यार, ये respond करेगा सही से नहीं करेगा। देखो एक तो सबसे बड़ी बात इसमें ना gear change करने का नहीं है, तो gear तो automatic रहेंगे हमारे। और यार मुझे लग रहा है मुझे वापस से बैक लेके आ जाता हूँ ना ऐसे, अभी कीबोर्ड से कर लेता हूँ मैं फट से इसको पहले। Great job. Just keep the control. If you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. यार ये बहुत लंबा आने वाला है, मैं जल्दी से ना इसको स्किप करता हूं, उसके बाद हम लोग सीधे चलाना स्टार्ट करेंगे। लाइसेंस ले लेता हूं फट से मैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी टैक्सी में। ये हमारा मैप है बाय द वे, पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। जो मैप है ना ये बहुत ज्यादा बड़ा है, अब मैं इसको अभी यार ये ट्यूटोरियल क्यों बंद नहीं हो रहा। ओके तो ये सारा यार मैं इसको ड्रैग कैसे करूं, ड्रैग करने के लिए आई थिंक अपने को ऐसे जाना होगा। ओके कंट्रोल से जॉयस्टिक से ऐसे मेरे को जाना है। तो इतना बड़ा मैप है, मतलब देख रहे हो इतना ज़्यादा बड़ा मैप है, पूरी ये जो बार्सिलोना सिटी है वहाँ का मैप है। अब हमको यहाँ पर चलाना है, मेरी टैक्सी फिलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है और हमको जाना है इस बंदे तक। ये पास ही बंदा है। ओके ये हमारी इमरजेंसी एक्शंस है, यहाँ पर हमारा एसी है, हमारा रेडियो है और हमारा एडिशनल कार सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें दी गई है। फिलहाल हम लोग चलते हैं, मैं एक सेकेंड मेरे को आगे जाना, आई थिंक वहाँ से हमको फ्यूल डलाना है। ओके न्यूट्रल में गाड़ी है ना, मेरे को लगता है कि यार ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में सही लगेगा। फर्स्ट गियर डालते हैं और गाड़ी चलाते हैं। ओ पार्किंग ब्रेक, ओके चलिए। आई थिंक मैंने जितना याद, हाँ ये हमको इंडिकेटर देख के प्रॉपर तरीके से, देखो यूरो ट्रक सिमुलेटर तब भी ईजी था यार, वहाँ पर पता क्या था, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी। यहाँ पर सिटी में चला रहे हैं तो बहुत ट्रैफिक भी होगा, रोड पतली होंगे, इधर उधर से लोग भी जा रहे होंगे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, टास्क होगा। देखते हैं कि क्या हम लोग इसको व्हील से चला पाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अजीब लग रहा है चलाने में, मतलब ना बहुत हल्का सा फील हो रहा है व्हील, जो कि
ट्रक सिमुलेटर में भी नहीं था ऐसा, बट देखो अभी कैसा होता है। अरे यार ये तो मैंने गाड़ी अलग तरीके से लगा दी, अगर यही मैं कीबोर्ड से कर रहा होता अभी फट से लगा दी होती मैंने, बट यही तो टास्क है ना, तभी तो मज़ा आएगा हमको। आप लोग मेरे को वहाँ की कॉमेंट करके बताना कि कैसा करना है। पिकअप क्लाइंट, ओके वाई, पहले मेरे को क्लाइंट को पिकअप करना है यार, मैं वही सोचूं कि क्यों, मुझे लगा कि यहाँ पर लगाना है, पर फ्यूल तो डलाना नहीं है ना आई थिंक अपने को भी। चले ठीक है, कहाँ गया अपना भी। ओके ठीक है यार, थोड़ा ना फ्री सा फील हो रहा है व्हील, पता नहीं क्यों। 700 मीटर पर हमारा जो क्लाइंट है वो है, अंदर वाले व्यू से चलाऊं तो वो भी, अरे यार ये वाला व्यू काफ़ी सही है, बट शायद आपको मज़ा ना आए इसको देखने में। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। फिलहाल हम लोग ना यार, मैं बिना इंडिकेटर के जा रहा हूँ। ओ शिट, ये रोड तो है भी नहीं यार, सिटी के अंदर चलाना, और वो भी अपनी सिटी होती तो फिर तो हम चला ही लेते, लेकिन दूसरी सिटी में चलाना ना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, तो मज़ा आएगा लेकिन फाइन वाइन पड़ेगा। अभी हमारे पास कितने पैसे हैं, 3000 यूरोज़ है हमारे पास अभी, तो ठीक है हमको पैसे कमाने हैं, यही टास्क होने वाला है। बाकी शायद हम लोग बाद में बाकी टैक्सी भी रख सकते हैं, ड्राइवर रख सकते हैं, उसी गेम की तरह यूरो ट्रक सिमुलेटर की तरफ, या फिर नहीं हो सकेगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इसका जो मैप है ना बहुत बड़ा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल है थोड़ा ध्यान से यार, मतलब ये नहीं समझना है कि फोर्जा होराइजन 5 है ना, थोड़ा ध्यान से चलाना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि छोटी गाड़ी चला रहा हूँ तो तेज चलाऊँ, बट नहीं यार, ट्रक सिमुलेटर की तरह ही मेरे को इसको चलाना होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि उसमें एटलीस्ट हम लोग हाईवे में भगा पाते थे, कोई रूल्स वगैरह उतने ज़्यादा होते नहीं थे। स्पीड का था वो भी मैंने बाद में बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तो होने वाली है यार। एक सेकेंड यार, ये क्या है, अरे बाप रे, ब्रेकर का बाप है तो, इतना बड़ा ब्रेकर, देखो यहाँ से रोड बंद है। अबे मुड़ जाए, क्यों नहीं मुड़ रही गाड़ी। अलर्ट, यहाँ से फ्यूल डलाने का ऑप्शन है, बट ओ शिट यार, मैं इनके अंदर से लेके चले जाऊँ क्या? ये हमारे साथ बहुत होने वाला है, मेरे को बस एक कोशिश करनी है, अपनी गाड़ी को ज़्यादा ठोकना नहीं है। फाइन पड़ेगा, अभी तो हमारे पास 3000 यूरोज़ है, लेकिन फ़ाइन पड़ेगा और मेरे को गाड़ी रिपेयर करनी पड़ेगी, तो बहुत बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी यार। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है मेरे को यार, ये लोग इतना धीरे क्यों चला रहे हैं, मैं निकलूँ आगे इनसे, अब आगे भी नहीं जाने देगा। क्लाइंट के पास पहुंच चुका हूं, और ओ गाड़ी मेरे को अंदर लगानी है तो ओके मेरे को लग रहा, कैसे लगानी है गाड़ी मेरे को, रिवर्स में लेके आऊं क्या, बीच रोड में मैं ये सब काम कर रहा हूं। सही है या गलत कर रहा हूं मैं, ये जो पार्किंग वार्किंग, अभी क्या कुछ नहीं समझ आ रहा गाइस क्या हो रहा है। एक सेकेंड, कुछ और करते हैं, कुछ और जुगाड़ तो होगा ना हमारे पास। फाइन पर फाइन पड़े जा रहा है यार, रुक जाओ मेरे को चलाने दो। पहला दिन अभी लर्निंग वाला भी हट चुका है, मैंने लाइसेंस तो जुगाड़ करके ले लिया था, बट दिक्कतें तो अब हो रही है। पहली बार में ना दिक्कत होगी, उसके बाद एक बार आइडिया लग जाए तो फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गाड़ी का थोड़ा सा फील लेने में टाइम लग रहा है। अबे क्यों पैसे, मेरे को लग रहा है गाड़ी ठुक गई थी, ऐसे करके लगा लेते हैं ना। ये क्या सिस्टम है ऊपर चढ़ाने का यार, यहाँ पे चढ़ानी पड़ेगी, अब बैठेंगे। ऑल राइट, तो हमारा फर्स्ट क्लाइंट अभी तक तो सही सलामत हम लोगों ने गाड़ी में बैठा दिया। एक बार देखते हैं इसको कि कहाँ है बंदा। ओके तो ये बैठा हुआ है, बस जिंदा घर पहुँच जाए किसी भी हाल में। There is something big on the window. Use wipers. एक सेकंड, मुझे पता ही नहीं वाइपर कैसे यूज करना है यार। अबे यार ये किसी की गाड़ी है गाइस, यहाँ पे ये देखो गलत टाइम पर आ रहे हैं गाड़ी। अब मैं यहाँ से आगे से निकाल दूँ? Do you even have a driver's license? इसको डाउट होने लग गया अभी से। अबे यार ये क्यों इतने लोग आ रहे हैं, मेरे को जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकालें। बस 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 हो गया, अब बता दो इसको मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला मेरे को। इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। चलिए यार ना की थोड़े, अबे क्यों मेरे को चला, मेरे को लर्निंग वाला वापस से लगाना पड़ेगा यार। ऑलराइट, अब ठीक है। पार्किंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो हम झेल लेंगे ठीक है। अब ये मेरे को गाली वाली ना दे, बस गाली देगा तो फिर मैं, ओ ये भी चीज़ें ध्यान देनी है। और मेरे हॉर्न तो बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइट हुई क्या, दिख भी नहीं रहा।
मेरे को तो दिख नहीं रहा रेड लाइट. ठीक है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, मैं निकाल लेता हूँ यार, क्या इनके लिए रुकना. ऑल राइट, तो ये देखो फिर से कितना धीरे धीरे चल रहे हैं. सारा टेस्ट ले रहे हैं मेरा आज ही कि कैसे चलाता है, देखते हैं जरा. रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट, रुक जाओ रुक जाओ. मैंने एक बार इसको छोड़ के आता हूँ, उसके बाद थोड़े कीज़ देखता हूँ. मतलब कीज़ मैं देख चुका हूँ, आदत होने में टाइम लगता है ना कि किससे क्या होने वाला है. ये पार्किंग ब्रेक हमारा और ये कैमरा एंगल चेंज है. टैक्सी की हालत तो पहले दिन ही ख़राब हो चुकी गाइस यार. ओके पीछे देखने वाला बटन ये है ना, यही मेरे को देखना था. हाँ अलर्ट. ओ ओके, इतना दूर रोकना पड़ेगा क्या, चिपका के निकाल लूँ क्या, या फाइन पड़ेगा गाइस, फाइन पड़ेगा पक्का. एक सेकंड, ये नहीं करा था मैंने. यार मैं और चीजें करने के चक्कर में रह रहा हूँ ना. लेकिन पता है इसको अगर आप कीबोर्ड से खेलोगे तो शायद उतना मजा ना आए, क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन में आप खेलोगे ना, सब कुछ खुद ही करना है तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं. यहाँ पर डिफिकल्ट हो रही है चीजें, और कुछ कुछ जो मेरे व्हील के कीज है ना इसके लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अलग सरदर्दी है यार. तुम लोग तो रहने दो, मैं निकलता हूँ. बहुत देर लगा रहे हैं चलने में. अबे क्या हो रहा है तुम लोगों को. रेड लाइट यहाँ पर यार, ये राउंड अबाउट में भी रेड लाइट है यहाँ पे. तेज भगाने का मौका ही नहीं मिल रहा गाइस. देखो डी दिखा रहा है ना आपको मेरे स्पीडोमीटर में, यानी कि हम यहाँ पे गियर चेंज नहीं कर सकते. गियर में अप डाउन कर सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं. मैं चाहता हूँ यार वो गियर वाला सिस्टम भी होना चाहिए, उससे गाड़ी चलाना ज़्यादा ईजी हो जाता है. अब यहाँ पर सीधा ही मतलब स्कूटी की तरह चल रही है यहाँ पर गाड़ी. मुझे लगता है कि मुझे लेन में भी रहना चाहिए, वरना मैं गाड़ियाँ ठोकता रहूँगा तो वो उससे हमको ना नुकसान होने वाला है. अब ये लो एकदम से ब्रेक लग नहीं पा रहे. अबे यार ये बंदा जो अंदर बैठा, अब ठुकी गई है तो क्या करें बताओ. मैं क्या कर सकता हूँ जब ठुकी गई है, मेरा भी तो नुकसान हो रहा है ना यार. इनको ये भी तो सोचना चाहिए कि मेरा नुकसान हो रहा है, जो अंदर बैठा प्राणी है ना उसकी हो रही है हालत खराब. रेड लाइट में निकलने में दिक्कत होगी क्या गाइस, फाइन पड़ेगा. टेस्ट तो करे जरा, फाइन पड़ेगा नहीं पड़ेगा. यार मुझे लग रहा है रेड लाइट में तो नहीं पड़ रहा, तो हमको रेड लाइट में रुकने की जरूरत तो नहीं है ना. निकल लो सीधा, इतना आसान नहीं है इसमें गाड़ी चलाना, मुश्किल हो रहा है. अबे किसने ठोक दी, देखो मैं ही नहीं हूँ ये सब, और ये लोग भी ठोक रहे. देखो ठोक दी उसने किसी ने, दिमाग खराब, चलाने नहीं आ रही क्या गाड़ी. ऑल राइट, तो यहाँ पर मुझे कैसे लगानी है गाड़ी. हाँ आराम से लग जाएगी. वही भटक रहा है क्या, लगा रहा हूँ यार, रुक जाओ लगा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम. I hope your driving improves before someone gets hurt. अबे ओके, तो मेरे को मिले 181,000 यूरोज हैं, इतना ज्यादा. ऑलराइट, क्लाइंट का पेशेंट लेवल, ओके पेशेंस लेवल है इनका 100 से 7 पर लेके आ गया मैं उसको. 20 यूरो की टिप भी दी उसने मेरे को, मैं 100,000 बोल रहा हूँ. ठीक है. ऑलराइट तो नेक्स्ट करते हैं. अभी हमारे पास कितने पैसे हो चुके हैं, हमारा पैसा बढ़ा क्यों नहीं मेरा. नेक्स्ट टास्क हमको मिल चुका है गाइस, तो जो अगला टास्क मिला है ना उसको हम लोग करते हैं. मेरे जो पैसे हैं वो कहाँ गए, एक सेकेंड. खैर छोड़ो इसको, मुझे लग रहा है कि शायद ये ट्यूटोरियल टाइप का कुछ था, हो सकता है, बट बाद में देखते हैं. फिलहाल हमारा लेवल 1 है और अभी हम लोग चल रहे हैं. अब मुझे गाड़ी में ना फ्यूल डलाना है. कुछ अपने आप आए, मैंने कुछ नहीं करा, इसका मतलब ये है कि कुछ तो है टास्क. तो चलिए चलाते हैं. देखो साइड में ग्रीन लाइट है ना, निकल लो फट से निकल लो. अब थोड़ा इजी लग रहा है चलाने में, मतलब थोड़ा आदत हो रही है गाड़ी ना, गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है. क्योंकि मैं हल्का सा भी रेस दे रहा था, गाड़ी एकदम से भाग रही थी, तो वो सब चीज़ें नहीं पता चल रही थी. अब जब चलाऊंगा जितना ज़्यादा उतना पता चलेगा. और टैक्सी की हालत थोड़ी ख़राब है, उसको अभी इग्नोर करना, वो हम धीरे धीरे करके चेंज कर लेंगे. अरे निकल लो निकल. अबे ये इंडिकेटर दिया उसने. अच्छा
अभी टाइट हो गया इसका, पता नहीं कभी क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है जब ग्रिप खो रहा है ना यार, मैं वैप क्यों ऑन कर दे रहा हूँ बार बार, तो फिर ढीला हो जा रहा है। फिलहाल सिटी में चलाने में एक अलग ही मजा आ रहा है, मतलब बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक बार अंदर वाला व्यू देखते हैं कि वो कैसा है, वो उतना मजेदार सा नहीं लग रहा। मतलब इसके अलावा एक और व्यू होता है ना, ये देखो इसमें सीधे बाहर का दिख रहा है, तो उतना मजेदार सा नहीं लग रहा, बंद बंद सा लग रहा है कुछ, जैसे ट्रक में तो एटलीस्ट पूरा खुला सा लगता था ना, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत लग रहा है। और मैप नहीं दिख रहा, सबसे बड़ी बात है यार, और फोर्स फीडबैक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे को उसकी भी आदत थी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड, गलत रोड में तो नहीं हूँ ना मैं, सही तो हूँ यार, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ पार्किंग वार्किंग वाला चक्कर है क्या, ये इतना दूर कहाँ, एक सेकंड कहाँ पर है, कहाँ है ये, ओके ओके कुछ तो है, कुछ तो है वहाँ पर, हमको जाना ही पड़ेगा, देख के आते हैं कि क्या है। मुझे लग रहा है फ्यूल का ही हो सकता है, ये है क्या बंदा, नहीं 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 ये नहीं है, आगे जाना है मुझे। ओ शिट, ओ कितनी पतली रोड है, ओके हाँ, तो मुझे कुछ कुछ अपनी कीज चेंज, पार्किंग में लगानी है क्या गाड़ी मेरे को यार, ये फालतू में आ गया, कुछ भी नहीं था ये। एक सेकंड, मैं अब जा रहा हूँ किसी दूसरे क्लाइंट के पास, तो मेरे को दूसरा क्लाइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। मुझे लगा कि यार कुछ तो आया होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही लग गया, शायद मुझसे ही लगा यार, यहाँ यहाँ के लिए ना गाइस, देखो यहाँ के लिए ये वाला व्यू सही रहेगा आई थिंक, इससे भी नहीं दिख रहा, इससे सही नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों बहुत गंदा सा दिख रहा है। आई थिंक इस जो पूरा मैप है ना, इसमें 8000 किलोमीटर की रोड, पता नहीं ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था, बहुत लंबी रोड है, बहुत लंबी लंबी रोड है, तो बहुत बड़ा मैप है। अबे यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे मेरी गाड़ी के, नुकसान करा दिया मैंने लोगों को, और अपनी टैक्सी का हालत देखो एक बार, ये देखो कीचड़ उछल के पता नहीं क्या क्या हो रखा, मजबूत है टैक्सी अपनी, अभी तक उतना नुकसान हुआ नहीं, इग्नोर करना ये सब, अभी पहला दिन है ना अपना लर्निंग के बाद, आज ही लाइसेंस मिला हुआ है मेरे को, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे शायद लाइसेंस प्रॉपर वे में लेने की ज़रूरत थी। गाड़ी मेरे को लग रहा है अजीब सा क्यों बिहेव कर रही, आगे से धुआं आने लग गया क्या गाइस, यार इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। एक बार देखूँ, अभी कुछ वैसे ख़राब तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ब्लिंक करने लग जाएगा, ठीक है सब सही है। एक बार मेरे को कीज भी एक्सप्लोर करके देखने कि क्या क्या चीज़ें हैं। अबे जल्दी निकल लेता यार, मेरे ब्रेक नहीं लग रहे। अबे यार वो ब्रेकर नहीं था यार, वो मेरे को लग रहा है कि या तो वो ट्रैम होता उसका था, वो शायद सिटी के अंदर से निकलता है ना, उसका लाइन थी वो। अलट 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 अलट, बहुत ध्यान से, ये दो बंदे बैठेंगे क्या, ओके ठीक है आ गया ये लो सही सलामत। इसकी टैक्सी की हालत देख के राइड कैंसिल ना करते ये लोग, हालत देख रहे हो मेरी टैक्सी की, ओके चलिए ठीक है अब हमको निकलना है। कितना दूर जाना है एक बार देखें जरा, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी के अंदर ही है। कितना पैसा देगा मेरे को इसका, मेरे को अगर ये देखा है, ऑलराइट तो 24,000 यूरो मेरे को देगा, एक्सपी 100 से 200 हो जाएगी मेरी, और 1.82 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की ये राइड है, लेंथ है, शॉर्ट है, ज़्यादा दूर नहीं है। डिफिकल्टी इजी, अभी तो डिफिकल्टी इजी दिखा रहे हैं, मतलब कुछ कुछ रोड होंगे जो खतरनाक होंगे, वहाँ पर डिफिकल्टी इजी तो नहीं होने वाली। यार ये गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है, ये सर्विस सेंटर है क्या, एक बार मैप एक्सप्लोर करते हैं, ये क्या चीज़ है, आर्किटेक्चर, ओके आर्किटेक्चर ये है ना, सर्विस सेंटर गैरेज, यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, इसके बाद इसको छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं गैरेज में जाऊँगा और अपनी गाड़ी रिपेयर कराऊँगा। गाड़ी की हालत हो रही है ख़राब बहुत यार, मुझे ना कुछ कीज़ चेंज कर लूँ क्या, बहुत बवाल है इसमें कीज़ चेंज करने का, की बाइंडिंग का ना बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा क्लाइंट है ना वो उल्टी ना कर दे कहीं, क्योंकि गाड़ी बहुत हिल रही है, देख रहे हो ये देखो, अगर वो घर से दही वही लेके आया होगा तो पक्का उसका मट्ठा बन जाने वाला। अबे ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे मेरे, क्यों नहीं ब्रेक लग रहे मेरे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। फ्यूल भी आई थिंक अपना ख़त्म होने को है यार, रिपेयरिंग मांग रहा है रिपेयरिंग, देखो साइड में आ रहा है मेरे को रेड मार्क यहाँ पर राइट साइड में। अब थोड़ी चौड़ी रोड आई, तो अब हम लोग भगाते हैं अपनी गाड़ी को, देखते हैं कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है हमारी। 72 माइल्स ही होगा, किलोमीटर तो नहीं हो सकता, माइल्स लग रहा है मेरे को। और हम जा रहे हैं अभी बहुत स्पीड से जा रही मेरी गाड़ी, रुक ब्रेक भी नहीं लग रही मेरी गाड़ी के, बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। स्पीडिंग का तो मेरे को पता ही नहीं था यार मेरी गाड़ी, ये क्या हो, फ्यूल ख़त्म हो गया क्या, टैब फ्यूल ख़त्म हो चुका अपना गाइस। पहला दिन बहुत बेकार ही गया अपना। इमरजेंसी एक्शंस, क्विक फिक्स कर लूँ क्या एक बार, फ्यूल आई थिंक फ्यूल हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
गियर ही चेंज नहीं हो रहे मेरे को लग रहा अपना गया सब काम से। अबे यार पहला दिन अपना बहुत बेकार गया गाइस। टो कार टू द गैरेज, यही करना पड़ेगा अपने को, गैरेज में गाड़ी को टो करना पड़ेगा। जो जो बंदा बैठा होगा ना मेरी गाड़ी में गाली दे रहा होगा। ऑलराइट, प्रेस एक्स टू एंटर गैरेज। ऑलराइट ये है। अब देखते हैं कितने का खर्चा आया यहाँ पे। सबसे पहले हमारा ये सब कुछ ही गया मेरे को लग रहा है, 345 यूरोज। ऑलराइट, उतना उतना रिपेयर हो रहा है। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ भाई, फ्यूल भी डला लेता हूँ पूरा, पैसे तो सारे गए मेरे काम से। एक बार कार में चलते हैं। अभी हमारे पास ना ज़्यादा अपग्रेड का ऑप्शंस है नहीं, ओल्ड में पास सिर्फ एक ही कार है। हम लोग और भी कार ले सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। बाइंग प्राइस, हाँ ये देखो ये देखो, देखो। ओ बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त कार्स हैं यहाँ पर, ये देखो एस यू वीज भी हैं और कुछ बहुत अच्छी कार्स हैं। पार्ट्स में अगर हम लोग देखें, पार्ट्स में हम लोग इसका नहीं यार, सब कुछ तो सही चल रहा है। ब्रेक्स वगैरह चेंज करूँ क्या इसके एक बार में? अभी मुझे नहीं लग रहा कि अभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये हमारे स्टैटिक्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए वापस चलते हैं, जो बंदे को लेके आए थे ना उसको छोड़ के आते हैं। गाड़ी स्टार्ट, पार्किंग ब्रेक लगे आई थिंक। एक सेकेंड अरे उतर गया वो, कह रहा नहीं तेरे बस की नहीं, मैं बस से चले जाऊँगा, रहने दो मेरे को। अब हम लोग ना पास के ही किसी कस्टमर को उठाते हैं। मेरी गाड़ी आई थिंक ये है, ये एक बंदा यहाँ पर है। अब ध्यान से गाइस, अब बहुत हो चुका है, सीख लिया अपना जितना सीखना था, अब थोड़ा ध्यान से ठीक है। स्पीडिंग से भी बचना है और स्पीड के चक्कर में ही तो सारा हो रहा है। मैं बहुत स्पीड से चला ले रहा हूँ ना गाड़ी को। ये लो मेरे को मोटिवेट मत करो तुम ये सब काम करने के लिए, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। सेवेंटी की स्पीड है यहाँ पर, तो जा सकते हैं हम लोग तेज। और मेरा जो क्लाइंट है यहीं पर मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कुछ ओके, यहाँ पर कुछ काम वाम चल रहा है। गाड़ी किसी की ठुकी हुई है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर ये सब काम करने वाला, ये लोग भी हैं। तो हमारा एक और क्लाइंट यहाँ पर आ चुका है। hey! और बात करने का ऑप्शन भी है क्या इनसे? ये तो नशे में धुत लग रहा है मेरे को पता नहीं, ऐसे ही चलाते हैं एक बार। चलिए इसका एक बार पेशेंस लेवल देखूं मैं, मैप में से मेरे को दिखेगा। अभी देखो 100% है, ये धीरे धीरे कम होता रहेगा जितना देर में लगाऊंगा और जितना बेकार ड्राइविंग करूंगा, सब चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए अभी चल लेते हैं। I'm so grateful for taxis. My legs are extremely sore. ओह अब तो चला रहा है एकदम मक्खन की तरह है। एक सेकंड, इससे रिप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, किससे होगा रिप्लाई? यार ये रिप्लाई वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता, बात नहीं कर सकता मैं इससे अभी। मुझे पता नहीं कि किस की से बात करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि कंट्रोलर वाले आ रहे थे मेरे पास, अभी कीबोर्ड वाला ऑप्शन दिखे नहीं मेरे को। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इसको छोड़ने। इस बार ये हमारा पहला कस्टमर होने वाला है जिसको मैं बहुत अच्छे से प्यार से छोड़ने वाला हूँ। अभी तक हमारा असली वाला, अब इसको क्या हो गया, इसको बीच में घुसना है क्या? इतनी जगह है तो घुस लेता यार, मैं ना पीछे जा सकता। ओ कितनी सही गाड़ी दिख रही है, डब्बा टाइप की है, सही तो नहीं है, डब्बा टाइप की दिख रही है। ये देखो कितनी चौड़ी रोड है, यहाँ तो भगाओ आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये देख देखो, ऑलराइट वापस से रेड लाइट, ये लोग तो निकल लिए, मैं भी निकल लेता हूँ। ये पानी का क्या है, नाला टाइप का? नहीं नहीं कुछ वैसा ही है। ओके ये देखो कितना सही लग रहा है, लेकिन ये पक्का पानी है ना? हाँ ओके ओके, कोई यहाँ पर ना ऐसा वो रास्ता समझ के इसको चलना ले, यहाँ पर चलने ओके पीछे से है ना,
ऑलराइट ऑलराइट। पीछे मेरे को ऐसा लगा कुछ फिश टाइप की भी थी इसमें, पता नहीं, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू तो मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं व्यू इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी अपने ड्राइविंग पर ज़्यादा फोकस है ना गाइस, इसलिए। अबे दिख नहीं रहा इसको, बच गई। मुझे जो बार लेन चेंज का आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि मुझे ये करना है। अभी अब सही चला रहा हूँ यार, मैं बहुत अच्छी चला रहा हूँ अभी गाड़ी, क्योंकि अब पता है ना कि कैसा करना है। और वैसे भी अपना नुकसान, स्लो डाउन। ओके, मेरे को फोर्जा की आदत हो रखी है यहाँ पर भी, मतलब मुझे स्लो लग रही है, इसको लग रहा है कि बहुत फास्ट चला रहा हूँ। ऑलराइट ठीक है, अब धीरे चलाऊंगा, मुझे लगा जल्दी पहुंचा दूंगा। एक सेकंड इसका पेशेंस लेवल देखो एक बार जरा। अरे बहुत कम हो गया गाइस, ये इसको डर लग रहा है बहुत। अब धीरे धीरे चलाता हूँ, अब बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है। कितने की स्पीड से चलानी है मुझे? 30-40 मुझे लगता है कि 40 पर चलूंगा, ज़्यादा तेज नहीं है ना। टैक्सी है यार, मैं क्यों फोर्जा समझ के उसको स्पीड से भगा रहा हूँ, मतलब कंट्रोल ही तो नहीं होता, वही तो दिक्कत है। यंग ड्राइवर वाला मेरे को एडवांसमेंट आ चुकी है यहाँ पर। और अगर फील की बात करो ना गाइस, में गेम मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। पता नहीं इसके नेगेटिव रिव्यूज थे बहुत सारे, उसको लेके मैं भी डाउट में था, बट ऐसा कुछ नहीं है, गेम बहुत अच्छा है। और अगर आप व्हील से खेलोगे तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तभी मुश्किल होने वाली, वरना बहुत इजी हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। और दूसरा यहाँ पर बस एक चीज़ की कमी मुझे लग रही है, एक तो कैमरा एंगल एक थोड़ा और बेटर वाला होता वो बहुत सही रहता। दूसरा मुझे लगता है कि इसमें मैनुअल क्लच आना चाहिए, वो शायद बाद में आ सकता है, क्योंकि उसके बाद ना चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। हमको बार बार गियर डाउन गियर अप करना पड़ेगा, तो उसमें और चैलेंज होगा तो मज़ा आएगा, अभी वो सब नहीं हो रहा, तो थोड़ा वो चीज़ की मेरे को कमी लग रही है। अभी तक ठोकी नहीं थी, ठोकने नहीं है। मुझे जो पहली वाली पार्किंग दी थी ना, वो बहुत मुश्किल वाली दे दी थी यार, मेरे से तभी तो हुई नहीं वो। ओ लग गई। अबे यार कैसे लग गई इतने में। यार एंड में आते आते थोड़ा सा लग गया, स्क्रैच सा लग गया उसमें, और उसमें अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था गाइस, ये अब क्यों होने लग गया? एक सेकेंड देखूँ जरा मैं मैप में, हम लोग कहाँ पे अभी? यहाँ पे है ना, तो मैं कोई, हाँ ये वाला लेता हूँ सीधे आगे जाके। चलिए भगाते हैं यहाँ से, अभी कोई नहीं है ना कस्टमर, अभी भगाते हैं। और एक कस्टमर तो छोड़ के आना ही है मुझे सही सलामत, यार क्यों नहीं करने दे रहे हो मुझे? उसका पेशेंस लेवल भी कम हो चुका था है ना, वो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है गाइस। नहीं, पता क्या हुआ था, उस बंदे का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका था इस वजह से शायद, मतलब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, जैसे ही मैंने उस गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच मारा तो वो उतर के चला गया, तो टास्क फेल्ड तब हुआ, इस वजह से नहीं कि मैंने गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठोकने में सिर्फ हमको फाइन लगेगा। अब देखो यहाँ पे गियर वगैरह होते ना, तो मैं गियर डाउन कर लेता, ब्रेक थोड़ा अच्छे तरीके से काम करते, उस वजह से जल्दी ब्रेक नहीं लगा पा रहा मैं प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ से अब अच्छे तरीके से कस्टमर को पिक करना है। एक बार इसका मैं पेशेंस लेवल देखता हूँ, अभी तो 100। ये मेरे को वही बंदा क्यों लग रहा है जो अभी छोड़ के गया था? खैर छोड़ दो इसको, अब नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसी दिक्कत उतनी ज़्यादा होगी नहीं। ऑलराइट, तो आ चुके हैं जनाब। ये वही बंदा लग रहा है मुझे, इसको छोड़ना है मुझे अब। ओके, अभी अपनी एक्सपी हो रखी है 122, ठीक है, और 200 मुझे करनी है। अगर मैं इसको छोड़ के आता हूँ तो 200 भी हो जाएगी, और अपने पास पैसे भी थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, $1447। 3000 यूरोज मिले थे, उसमें से इतने पैसे बच गए हमारे। अरे यहाँ पर रेड लाइट वगैरह नहीं है ना, वैसे ही क्रॉस कर ले रहे हैं ये लोग, ज़ीब्रा क्रॉसिंग में तो वैसे ही क्रॉस कर लेते, तो थोड़ा ध्यान से मेरे को चलाना पड़ेगा। हाँ ऑलराइट, निकल लो। अभी तक गाइस एटलीस्ट मैंने किसी इंसान को नहीं मारा है। मतलब देखो ज़ीब्रा क्रॉसिंग में इसको इतना डर क्यों लग रहा है? पहली बार भी यही बंदा था यार, पेशेंस लेवल चेक करो जरा। अभी है काफ़ी, फेल्ड होने से बचना है हमको अब तो, मतलब ऐसा टेंशन लेनी है, क्योंकि अगर इनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया तो ख़त्म अपना टास्क, खाली इतना फ्यूल जाएगा हमारा, टाइम बर्बाद होगा, और एंड में
राइड कैंसिल, मतलब कैंसिल क्या, उतर जा रहे हैं वो तो पहुंच जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, हमारे लिए दिक्कत हो रही है। तो यही सोच के थोड़ा स्पीड धीरे क्यों धीरे नहीं हो रही गाड़ी मुझसे। ऑलराइट, तो एटलीस्ट हम लोगों ने अपना ये वाला जो कस्टमर है ना इसको सही सलामत छोड़ दिया यहाँ पे, और ये लो बाय, छोड़ दिया, खुश था पैसे मिले हमको। ऑलराइट, तो लेवल 2 आई थिंक अपना हो चुका है, और हाँ तो ये हमारा ख़त्म हो चुका, हमको पैसे मिले इसमें पूरे प्रॉपर मिले जितने भी हो चुके हैं। टेक दिस, ऑलराइट, मेरे को लग रहा है मैंने पहली बार लिए नहीं था क्या, शायद हो सकता है कि हमको लेने पड़ते होंगे। देखो लेवल 2 अपना हो चुका है, अब अपने पास 1600, यार वहाँ पे ज़्यादा क्यों दिखा रहा है वो, ऐसा लग रहा है कि 2000 यूरोज़ है, बट मुझे लग रहा है कि शायद मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ उसको। एक और अपना क्लाइंट आ चुका है तो इसको भी छोड़ के आते हैं, चलिए ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि एक और क्लाइंट को छोड़ूंगा, बट खुद ही उसने बुक कर ली होगी टैक्सी, अब जाना पड़ेगा हमको। एक सेकेंड, कहाँ पर है ये, है कहाँ पर, अबे यार ये तो मेरे को पूरा घूम के आना पड़ेगा, ये क्या हुआ, हाँ ये कहाँ पे, मैं ना यहीं से टर्न करने वाला हूँ, ठीक है गाइस, मैं यहीं से टर्न कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओह शिट, यहाँ कहीं पर था ये बंदा। ओके ओके ओके, इसके अंदर है मैं यहीं से टर्न कर रहा हूँ, यहाँ जाने का रास्ता था तो यार मेरे को दिखा नहीं, इतना पतला रास्ता बना रखा था। ओ यहाँ पर मुझे गाड़ी ऐसे ऊपर चढ़ा के यहाँ से ऐसे लगानी है, ऐसे करके, हाँ इजी था, हो चुका है। ऑलराइट, तो अपने नेक्स्ट ग्राहक यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम चलते हैं सीधा इनको छोड़ने के लिए। देखो यहाँ भी एक गाड़ी, अच्छा किसी की पार्किंग लगी हुई है वो गाड़ी, शॉर्टकट। अब देखो मेरे को अभी मैप का उतना आइडिया नहीं है, बट मैं बाद में शॉर्टकट भी ले सकता हूँ अगर जो क्लाइंट बैठा हुआ है, कस्टमर बैठे हुए हैं, उनको एतराज़ ना हो तो वरना पता चला कि उनका पेशेंस लेवल ख़त्म होते जा रहा है। कितना सही व्यू आ रहा है यार, कितना सही जगह है। एकदम से कैसे आया आगे से, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मुड़ ही नहीं रहा। Are you trying to kill us? यार मेरे साथ ना चाह, अबे लो लो, अपना नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया अपना गाइस। ओके तो ये हमारा आज का फाइनल कस्टमर होने वाला है, इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं, और एक बार देखें जरा इसको कैसा दिख रहा है बंदा। दो लोग बैठे हुए हैं, ओके मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था, दो लोग बैठे हुए हैं इस बार हमारे पास, आई थिंक हाँ दो ही लोग बैठे हुए हैं ना, तीन भी हो सकते हैं शायद, पता नहीं, बट दो लोग बैठे हुए हैं। चलिए अभी हम लोग निकलते हैं गाइज यहाँ से, थोड़ा सा मेरे को बैक लेके जानी पड़ेगी गाड़ी। लोग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में लगी हुई हैं यार, पूरी रोड घेर के रख रखी है, इंडिया जैसा हाल हो रहा है। ये देखो पार्किंग है क्या, पार्किंग है शायद मुझे लग रहा है, फिर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है आगे से एक बार उनके साथ साथ लेके जाऊँ, स्पीड लगाएंगे, लग गई कुछ नहीं कर रहे मेरे, मैं टेस्ट कर रहा था सीधे कि कुछ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा खास कर नहीं रहे वो लोग, जब ज़्यादा हो रहा तो कर रहे, वो भी परेशान बंदा, इतना कुछ रूल है नहीं। अब अगर मैं बीच में चलते हुए, जैसे मेरे तीन कस्टमर बैठे हुए हैं, देखो तीन लोग हैं बैठे हुए हैं, मेरी गाड़ी की हालत फिर से ख़राब हो गई ना, देखो एक बार लगी हुई है, तो इसको रिपेयर करा लेंगे, अभी उतना कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से रिपेयर कराऊंगा क्योंकि फिर ठुक रही है। अब जैसे जैसे हम लोग गेम में आगे प्रोग्रेस करेंगे ना, ट्राई करूंगा। यार ये व्यू देखो, व्यू देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है यार, ये देखो। Do you have a death wish or something? अबे यार फिर तेज कैसे हो गई गाड़ी में, तेज कम कर रहा था मैं, पता नहीं कैसे तेज हो जा रही गाड़ी एकदम से। ये देखो 30 की स्पीड में तो फिर गाड़ी ऐसे चलेगी यार, मेरे को इनको छोड़ने से पहले पेशेंस लेवल चेक करना है कि कितना रहता है इनका, 30 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, ठीक है वैसे सेंस बनता है यार, ये बहुत अजीब सी रोड है, पतली सी, यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। देखो कितने प्यार से यहाँ पर टर्न करनी पड़ेगी गाड़ी, ये हिसाब किताब है इसका,
और अट गैस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं इन लोगों को जहां मुझे छोड़ना है, और उसके बाद हम लोग एक बार मेरे को पहले इनका पेशेंस लेवल चेक करना है। ज़्यादा कम नहीं हुआ है, हम लोग सही तरीके से चला, डिफ़िकल्टी अभी नॉर्मल है। मतलब मेरे को लग रहा है कि हर गाड़ी के हिसाब से ना, मतलब हर बार डिफ़िकल्टी अपने आप चेंज होगी। कभी बहुत हार्ड वाली भी आएगी जहाँ पर रोड बहुत खतरनाक होंगी, पार्किंग बहुत खतरनाक होगी, बहुत टाइट स्पेस होगा, वहाँ पर हमको काम करना होगा। तो अभी नहीं आया, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा शायद वो सब चीज़ें आने वाली है। बाकी 2000 तक एक्सपी है, यहाँ पर अभी मेरी 200 एक्सपी हो रखी है। बाय, सही सलामत। एक सेकेंड, तीन लोग नहीं बैठे थे मेरी गाड़ी में, तीन लोग मुझे ध्यान है। टेक दिस टास्क, अच्छा अच्छा अच्छा, ये टास्क का आ रहा है कि ये एक टास्क है हमारे पास ये करने का आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास इतने पैसे हो चुके। क्या कर लिया जाए इसको भी जल्दी से एक बार, यार रहन दें अभी। हम लोग मन तो कर रहा है कि कर लूँ इसको भी, तो हमको इसको करने के लिए क्या करना होगा। टेक दिस टास्क, यार यहाँ पर ना गाड़ी चलाना, मतलब अरे देखो अब यहाँ पर कैसे मैं लेके जाऊँगा एक बिल्डिंग्स के बीच में। एक बात तो है यार, मतलब जितने इसके नेगेटिव रिव्यूज़ थे ना, मुझे लगा नहीं था कि इस गेम में मज़ा आएगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। व्हील से शायद मज़ा आ रहा है, क्योंकि व्हील से बहुत मुश्किल हो रहा है टास्क, इतनी पतली पतली। अभी तो मीडियम, मतलब इजी नॉर्मल वाला आ रहा है, जब हार्ड वाला आएगा ना टास्क, तो फिर देखना मुझे क्या होने वाला है। और हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, देखो मैं चाहता हूँ कि यार जितने पैसे मैंने स्टार्ट किया था एटलीस्ट उसके करीब रहूँ मैं। बहुत खर्च हो गए पैसे हमारे टैक्सी को रिपेयर करने में। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके अपने जगह पे, और हमने अपना कस्टमर यहाँ पे बैठा लिया है। टैक्सी की हालत थोड़ी सी ख़राब है, और ज़्यादा ख़राब नहीं, इतना ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। There is something big on the window. Use wipers. यार क्या है, कुछ भी नहीं है यार, क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। दिमाग ख़राब है क्या, ज़बरदस्ती इनको आदत है ना बोलने की। अभी हम लोग ना लास्ट वाला टास्क है हमारा, तो हम इसको इस तरीके से थोड़ा चला के फील लेने वाले, आदत पड़ जाएगी तो शायद सही लगेगा। एटलीस्ट इसमें ना मेरे को पीछे का व्यू और सब कुछ दिख रहा है, और मैप भी दिख रहा है। मुझे लग रहा था कि मैप नहीं दिख रहा, मैप भी दिख रहा है हमको, पेशेंस लेवल भी दिख रहा है, सब कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप लोग भी तभी जज कर पाओगे जब आप लोग दोनों कैमरा एंगल देखोगे। अभी मैंने आपको वो वाला तो दिखाया था, अब मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। आप लोग मेरे को कॉमेंट करके बताना गाइस कि कौन सा वाला ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा तो अच्छा व्यू नहीं मिल रहा है इसमें से, बट लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी मिल रही है यहाँ पर, तो ये चीज़ है। मेरे को बार बार मैप ओपन करके पेशेंस लेवल चेक नहीं करना पड़ेगा ना। अगर मिनी मैप कुछ आ रहा होता उसमें ही ये सब चीज़ें आ रही होती तो ज़्यादा बेटर। आ रहा था क्या, मैंने चेक नहीं करा एक बार, देखो यार आ तो रहा है यार फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाला व्यू भी अच्छा आ रहा है, डरा हुआ से बैठा हुआ है मैं, टेंशन ले रहा हूँ। आराम से चलाऊँगा, पेशेंस लेवल उसका ख़त्म होने वाला है गाइस। मेरे को लग रहा है हमारे लास्ट वाला टास्क ना जाने वाला है, मेरे को थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी गाड़ी, वरना बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। अब मेरे को मेंटेन करके चलना है ये पेशेंस लेवल, अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो गया ये टास्क हमारे हाथ से। यार मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये वाला व्यू चेंज कर लेना चाहिए, इसमें थोड़ा मेरे को ज़्यादा ईजी लग रहा है, मैंने ज़्यादा इसमें चलाया हुआ है ना। अबे ये भी रुक गई, क्या क्या ड्रामे, एक कोई तो जाएगा ना आगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यार इससे इसको बात करनी है, मैं कैसे बोलूं कि मैं बात चाह के भी नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है गाइस कि गया ये काम से हमारा, मैं इसको फिर कहीं और जगह छोड़ के आऊँगा, क्योंकि इसका पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि देर लग रही है, क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वही जो गाड़ी स्पीड से चलाई थी ना, एक उससे एकदम बहुत नीचे आया था, और अब तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है, तो मुश्किल है थोड़ा सा यार। बट ट्राई कर रहा हूँ मैं फिर भी। लो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।